दोस्तों नमस्कार, केपीटी जगत में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज हम से 500 क्वेश्चंस की एक सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें से 30 क्वेश्चंस प्रत्येक दिन करेंगे। यह क्वेश्चंस टॉपिक वाइज हैं और लास्ट एग्जाम्स में आ चुके हैं। यह क्वेश्चंस बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ मेरे साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? तो फर्स्ट ऑप्शन है विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है। सेकेंड है विकास की विषम जातीय से स्व जातीय की ओर अग्रसर होता है। थर्ड है विद्यार्थी भिन्न दरों पर विकसित होते हैं। फोर्थ है विकास साक्षेप रूप से क्रमिक होता है। यह क्वेश्चन सीटेट 2012 में आया हुआ है। आंसर दीजिए, पांच मिनट का सेकंड है। आंसर द करेक्ट हो जाए मैं फोर्थ, विकास साक्षेप रूप से क्रमिक होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। फर्स्ट ऑप्शन है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर। सेकंड है शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर। थर्ड है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। फोर्थ है शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर। क्वेश्चन 2011 में आया हुआ है सीटेट। आंसर दीजिए, यहाँ पे आंसर हो जाएगा थर्ड, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है? क्वेश्चंस नहीं है पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे अच्छी वहा परीक्षाओं का आयोजन करना। सेकंड है रटने को महत्व प्रदान न करना। थर्ड है पुस्तकों से इतर ज्ञान प्राप्त करना। फोर्थ है ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना। यूपीटेट 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो जैसे कि एनसीएफ 2005 के आधारभूत सिद्धांतों के बारे में पूछा गया है तो कौन सा सम्मिलित नहीं है, नेगेटिव में आंसर पूछा है तो आंसर भी उसी के अकॉर्डिंग देना है आपको। आंसर यह करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा फर्स्ट, अच्छी भा परीक्षाओं का आयोजन करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य परिपक्व से पहले प्रशिक्षित करना पर्याय। फर्स्ट ऑप्शन है सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है। सेकंड है कुल मिलाकर हानिकारक होता है। थर्ड है दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी होता है। फोर्थ है लाभकारी हो या हानिकारक यह इस बात पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। रीट 2011 में आए हुए क्वेश्चन से ये, तो सामान्य परिपक्वता से संबंधित पूछा है क्वेश्चन से ये। तो जैसे कि अभी क्वेश्चन आंसर द करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ, लाभकारी हो या हानिकारक हो यह इस बात पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें साथ साथ में। बच्चों के विकास के शिरस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कथन है। फर्स्ट ऑप्शन है विकास सिर से पैर की ओर होता है। सेकेंड है विकास पैर से सिर की ओर होता है। थर्ड है विकास मध्य भाग से परिधि की ओर होता है। फोर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं। पीटेट 2011 में आया क्वेश्चन से ये क्वेश्चन पूछा है कि विकास जो होता है बच्चों के सीरियस सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन सत्य है, कथन सत्य बताना है इसमें से। तो आंसर का करेक्ट हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट, विकास सिर से पैर की ओर होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किशोरावस्था के दौरान आत्म केंद्र संज्ञानों का विकास इस विश्वास के साथ है कि वह अन्य लोगों के ध्यान केंद्र में है कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन है असमिता निर्माण। सेकंड है असमिता संकट। थर्ड है किशोर आत्मकेंद्रता। फोर्थ है भूमिका भ्रांति। क्वेश्चन पूछा रहा है कि किशोरावस्था के दौरान आत्म केंद्र संज्ञानों का विकास इस विश्वास के साथ है कि अन्य लोगों का ध्यान केंद्र में है या कहलाता है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा रहा है। तो आंसर द करेक्ट हो जाएगा यहां पे हमारा फोर्थ, भूमिका भ्रांति।
अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक बालक सिद्धांत एवं विशुद्ध संभाव्यता को अमूर्त रूप में व्यवहार कर सकने में सक्षम है, उसमें तार्किक एवं अमूर्त विचार करने की संरचना है एवं वह एक वैज्ञानिक जैसा चिंतन कर सकता है, वह किस अवस्था से गुजर रहा है? फर्स्ट ऑप्शन है अमूर्त संक्रियाओं की अवस्था से, सेकंड है पूर्व संक्रियाओं की अवस्था से, थर्ड है अकारी संक्रियाओं की अवस्था से, फोर्थ है संवेदी पेशी अवस्था से। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक बालक है विशुद्ध संभाव्यता से या रूप से अमूर्त रूप से व्यवहारगत कर सकने में सक्षम है, उसमें तर्क करने अमूर्त विचार करने की संरचना भी है, वह एक मनोवैज्ञानिक चिंतन भी जैसा कर सकता है, वह किस अवस्था से गुजर रहा है या किस अवस्था में है? इस प्रकार से क्वेश्चन है, आंसर दें यहाँ पे। आंसर दे करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा अकार्य संक्रियाओं की अवस्था से, आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा थर्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं हाथ में, शेयर करते हैं दोस्तों के साथ में। निम्नलिखित कथनों में से मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट ऑप्शन है सामान्य से सामान्य की ओर, सेकंड है सामान्य से विशिष्ट की ओर, थर्ड है विशिष्ट से सामान्य की ओर, फोर्थ है विशिष्ट से विशिष्ट की ओर। तो जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न कथनों में से मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, कथन सत्य पूछा गया यहाँ पे, तो आंसर इधर करेक्ट होना चाहिए यहाँ पे हमारा सामान्य से विशिष्ट की ओर, सेकंड आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोई बच्चा किस अवस्था में पर्यावरण से प्रभावित होने लगता है? फर्स्ट ऑप्शन है बाल्यावस्था, सेकंड है किशोरावस्था, थर्ड है शैशवावस्था, फोर्थ है प्रौढ़ावस्था। तो क्वेश्चन पूछा गया कि कोई बच्चा किस अवस्था में पर्यावरण से प्रभावित होने लगता है, तो आंसर दीजिए यहां पे, आंसर दे करेक्ट हो जाएगा यहां पे हमारा फर्स्ट बाल्य अवस्था से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आप अपनी कक्षा के छात्रों को पूरी कक्षा में कहीं पर बैठने की अनुमति दे देते हैं, उनमें से कुछ छात्र समूह बनाकर पढ़ते हैं और कुछ छात्र चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं, परंतु आपकी कक्षा के कुछ छात्रों के अभिभावकों को यह सब पसंद नहीं आता है, इस स्थिति में क्या तरीका बेहतर होगा? फर्स्ट ऑप्शन है अभिभावक को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए, सेकंड है अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त कर समस्या चर्चा करनी चाहिए, थर्ड है अभिभावक को उस विद्यालय से अपने बच्चे को निकाल लेना चाहिए, फोर्थ है अभिभावक को स्वयं कक्षा में जाकर पढ़ाना चाहिए। तो जैसे क्वेश्चन पूछा बोला जा रहा है कि आपकी कक्षा के छात्रों को पूरी स्वतंत्रता दे रखी है आपने कहीं पर बैठने की भी, उसमें से कुछ छात्र हैं जो कि समूह बनाकर या ग्रुप बनाकर पढ़ते हैं और कुछ छात्र चुपचाप पढ़ते हैं, यह बात आपके एक छात्र के पेरेंट्स को पसंद नहीं आई, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो आंसर यह करेक्ट होना चाहिए यहां पे हमारा सेकंड, अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त कर समस्या चर्चा करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करते हैं साथ में, शेयर करते हैं साथ में। निम्न में से किसने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? फर्स्ट ऑप्शन है डोलार्ड, सेकंड है मिलर, थर्ड है प्याजे, फोर्थ है बंदूरा और वाल्टर्स। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, वन लाइनर क्वेश्चन है ये, आंसर दीजिए यहाँ पे। तो आंसर इधर करेक्ट हो जाएगा फोर्थ, बंदूरा और वाल्टर्स ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव विकास के सिद्धांत या संबंध में पुनर्वलन सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादित किया था? फर्स्ट ऑप्शन है डोलार्ड और मिलर, सेकंड है बंदूरा और वाल्टर्स,
थर्ड है प्याजे और मिलर, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन पूछा रहा है कि मानव विकास के संबंध में पुनर्वलन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो आंसर देगा कौन है यहां पे हमारा, फर्स्ट डोलार्ड और मिलर ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करते हैं साथ साथ में, शेयर करते हैं दोस्तों के साथ में। निम्न में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को महत्व देता है? फर्स्ट ऑप्शन है विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत, सेकंड है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, फोर्थ है थर्ड है निरंतरता का सिद्धांत, फोर्थ है परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो क्वेश्चन बोला कि कौन सा सिद्धांत बाल विकास वातावरण में संबंधी कारकों को महत्व देता है? तो आंसर दीजिए यहां पर, आंसर करेक्ट हो जाएगा यहां पर हमारा सेकंड सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विकास कभी न रुकने वाली एक प्रक्रिया है, तथ्य संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन निरंतरता के सिद्धांत से, सेकंड है व्यक्तिक अंतर के सिद्धांत से, थर्ड है विकास क्रम की एक रूपता के सिद्धांत से, फोर्थ है एकीकरण के सिद्धांत से। तो क्वेश्चन बोला कि विकास है जो कि कभी न रुकने वाली एक प्रक्रिया है, यह तथ्य किससे संबंधित है? तो यहां पे आंसर देगा कौन है यहां पे, फर्स्ट निरंतरता के सिद्धांत से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो क्वेश्चन देखते हैं, बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार का सिद्धांत है। फर्स्ट ऑप्शन है व्यवहारिक, सेकंड है वैज्ञानिक, फोर्थ है शैक्षणिक, थर्ड है शैक्षणिक, फोर्थ है अनिवार्य। तो क्वेश्चन बोला जा रहा है कि बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार से इस सिद्धांत से है, सही कर देंगे यहां पे, आंसर दीजिए यहां पे। तो आंसर द करेक्ट हो गया यहां पे सेकंड वैज्ञानिक। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहां पे, पंद्रहवें क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, अगर क्वेश्चन का सही आंसर बता तो डाउट कमेंट बॉक्स में दें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे डाउट हो रहा है कि यहाँ पे व्यवहारिक से होना चाहिए यहाँ तक लग रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षार्थी की अदृंग पृष्ठभूमि को पहचानने में, सेकेंड है शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में, थर्ड है शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में सम्मिलित करने में, फोर्थ है शिक्षार्थी की सामाजिक स्तर को पहचानने में। तो क्वेश्चन बोला रहा कि बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझने में शिक्षक की सहायता करता है या मिलती है? तो आंसर यहां पे होना चाहिए हमारा थर्ड, विद्यार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबंधित या रूप में संबंधित करने में। तो आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बालकों में स्नेह एवं प्रेम संबंधी आवश्यकताओं को प्राय निम्नलिखित पद के अंतर्गत सामूहिकृत किया जा सकता है या क्या किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन होगा स्वीकृति, सेकंड है संवेगात्मक सुरक्षा, थर्ड है लोकप्रियता, फोर्थ है मान्यता। तो जैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बालकों में जो स्नेह व प्रेम संबंधी आवश्यकता को प्राय किस पद के अंतर्गत समूहीकृत किया जा सकता है? तो आंसर यहां पर होना चाहिए हमारा सेकंड संवेगात्मक सुरक्षा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करते हैं हाथ हाथ में, थोड़ा धुंधला क्वेश्चन है, स्पष्ट वैसे है दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन देखते हैं। बालक के व्यवहार को स्पष्ट किया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है उन उद्दीपकों के संदर्भ में जो उस पर कार्य करते हैं, सेकंड है उसके सामाजिक दबावों के संदर्भ में, थर्ड है उसकी असंतुष्ट इच्छाओं के संदर्भ में, फोर्थ है प्रेरकों एवं लक्ष्यों के जटिल तंत्र के संदर्भ में। तो क्वेश्चन बोला जा रहा है कि बालक के व्यवहार को स्पष्ट किया जा सकता है,
या किस में स्पष्ट किया जा सकता है, ऐसे क्वेश्चन को समझाएंगे। जैसे कि आंसर या टेक्नोलॉजी हमें हमारा फोर्थ आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रेरकों एवं लक्ष्यों को जटिल तंत्रों के संदर्भ में, फोर्थ आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बालक का व्यवहार सदैव उत्पन्न होता है उसकी फर्स्ट ऑप्शन है मनोशारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के फलस्वरूप, सेकंड है उसके प्रभावी मूल्यों के फलस्वरूप, थर्ड है चिंताओं के साथ सार्थक असार्थक रूप से समायोजन करने के फलस्वरूप, फोर्थ है सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के फलस्वरूप। तो जैसे क्वेश्चन बोला कि बालक का व्यवहार सदैव उत्पन्न होता है किसके कारण पूछा गया क्वेश्चन में, तो आंसर हो गया यहाँ पे हमारा करेक्ट सेकंड, उसके प्रभावी मूल्यों के फलस्वरूप सेकंड आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक करते रहे साथ ही साथ में, चैनल को शेयर करते हैं। क्वेश्चन से हमारा ब्रोनफेनब्रेनर का सिद्धांत आधारित है, फर्स्ट ऑप्शन है जैव परिस्थिति पर, सेकंड है रासायनिक गुणों पर, थर्ड है आनुवंशिकता पर, फोर्थ है शिक्षण प्रणाली पर। तो क्वेश्चन बोला है कि ब्रोनफेनब्रेनर का विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो आंसर करेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग हमारा रासायनिक गुणों पर, सेकंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ब्रोनफेनब्रेनर की पारिस्थितिकी सिद्धांत का तंत्र लघु मंडली संबंध है, फर्स्ट ऑप्शन है माता पिता से, सेकंड है शिक्षक से, थर्ड है संगी साथी से, फोर्थ है इन सभी से। तो पारिस्थितिकी सिद्धांत के बारे में पूछा जा रहा है कि लघु मंडली किससे संबंधित है, तो आंसर का करेक्ट होना चाहिए यहां पे हमारा फर्स्ट माता पिता से। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इरेक्शन का बाल विकास का सिद्धांत है, फर्स्ट ऑप्शन है मनोसामाजिक, सेकंड है आर्थिक, थर्ड है भौतिकवादी, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन में इरेक्शन का बाल विकास सिद्धांत पूछा गया है किससे है, तो आंसर तक करेक्ट हो जाएगा इस पर हमारा फर्स्ट मनोसामाजिक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इरेक्शन द्वारा प्रतिपादित बालक के विकास सिद्धांत की मूल अभिरुचि है, फर्स्ट ऑप्शन है व्यक्तिगत घृणा, सेकंड है व्यक्तिगत अभिप्रेरणा, थर्ड है व्यक्तिगत पहचान, फोर्थ है व्यक्तिगत स्वार्थ। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इरेक्शन के द्वारा प्रतिपादित बाल विकास सिद्धांत में मूल अभिरुचि क्या है, तो आंसर है करेक्ट होना चाहिए अभी हमारा थर्ड व्यक्तिगत पहचान। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इरेक्शन ने अपने विकास सिद्धांत को कितनी मूल अवस्था में बांटा है, फर्स्ट ऑप्शन है दो, सेकंड है तीन, थर्ड है चार, फोर्थ है आठ। तो इरेक्शन ने अपने विकास सिद्धांत को कितनी मूल अवस्था में बांटा हुआ है, आंसर का करेक्ट होना चाहिए यहां पे हमारा फोर्थ, आठ अवस्था में बांटा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इरेक्शन द्वारा प्रतिपादित विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत की अंतिम अवस्था है, फर्स्ट ऑप्शन है परिश्रम बनाम हीन भावना, सेकंड है पहचान बनाम पहचान भ्रांति, थर्ड है आत्मीय बनाम अलगाव, फोर्थ है संपूर्णता बनाम निराशा। तो क्वेश्चन पूछा गया कि इरेक्शन द्वारा प्रतिपादित विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत की अंतिम अवस्था क्या है, अंतिम अवस्था के बारे में पूछा गया है, तो आंसर करेक्ट होना चाहिए अभी हमारा फोर्थ संपूर्ण बनाम निराशा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस अधिगम मनोवैज्ञानिक के बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है, तो फर्स्ट ऑप्शन थॉर्नडाइक, सेकंड है पावलोव, थर्ड है स्किनर, फोर्थ है गुथरी। यूपीटेट 2013 में आए हुए क्वेश्चन से ये। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अधिगम को मनोवैज्ञानिक बाल विकास की या बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया गया है, किसने नहीं दिया, किस मनोवैज्ञानिक ने, तो आंसर का करेक्ट होना चाहिए हमें अपने गुथरी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विकास का सही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का से है, फर्स्ट ऑप्शन परिवर्तन, सेकंड प्रतिक्रिया,
थोड़ा प्रयास, फोर्थ है परिणाम। क्वेश्चंस 2013 यूपीटेट में आया हुआ है ये। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विकास का वही संबंध परिपक्वता से है तो उद्दीपन का संबंध किससे है? तो आंसर करेक्ट रहेगा इसके अकॉर्डिंग हमारा प्रतिक्रिया से। उद्दीपन का संबंध किससे? प्रतिक्रिया से। तो आंसर सेकंड हो जाएगा। दोस्तों सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। वीडियो को पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।